हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई ये वीडियो क्लिप है बांग्लादेश की, जहां जमात इस्लामी ने नूपुर शर्मा, जिसने कि पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी की थी, उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया है। देखा होगा आपने कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और बाकायदा उसे मैनेज किया जा रहा है। वहां पे सादा वर्दी में और वर्दी में कुछ पुलिस वाले हैं और वो पुलिस वाले बाकायदा उसे मैनेज कर रहे हैं। ना कहीं आग लगाई गई, ना कहीं पत्थर फेंके गए, ना कुछ किया गया, ना भाई दुकानें लूटी गई, ना कोई तशद्दुद किया गया, ना कोई हिंसा का वातावरण लाया गया। और बाकायदा उन्होंने शांतिपूर्वक अपना जुलूस निकाला और अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन मैं बांग्लादेश का ये जो वीडियो है इसके बारे में आपको बता दूं, ये निकाला है जमात इस्लामी ने। और जमात इस्लामी आप जानते हैं बदनाम जमाना संगठन है। ये ही जमात इस्लामी जो जम्मू कश्मीर में अभी जिनके स्कूलों पर और मदरसों पर अभी भारत सरकार ने कल परसों रोक लगाई है, यही जमात इस्लामी जो पाकिस्तान में है, यही जमात इस्लामी जो पहले बांग्लादेश में थी जब अविभाजित पाकिस्तान था, अनडिवाइडेड पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, तब यही जमात इस्लामी थी जिसने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर असंख्य काउंटलेस यानी कि मिलियंस में भाई बांग्लादेशियों का, जो मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, बांग्लादेशियों के का कत्ल किया था, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भाई उनके खेतों में, खलिहानों में, घरों में, खड़ी फसलों में, बस्तियों में, पूरे गांव के गांव फूंक दिए थे, आग लगा दी थी और लोगों का सामूहिक नरसंहार किया था। ये जमात इस्लामी वाले उनके साथ होते थे, पाकिस्तानी फौज के साथ, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे थे। ये बात मैं आपको 1970 और 1971 की बता रहा हूं। तो 1970 और 1971 में इसी जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स ने भाई पाकिस्तानी फौज के साथ जो कहर ढाया था बांग्लादेश में, किस तरह से हिंदुओं का, मुसलमानों का एक तरफ से सामूहिक नरसंहार, कैसे जेनोसाइड किया था इसने वहां पर, और कैसे मिलियंस लोग मारे गए थे, कैसे भाई 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, यही जमात इस्लामी के कार्यकर्ता थे। तो ये बहुत ही बदनाम जमाना एक बहुत ही नोटोरियस संगठन है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी का एक ही मकसद है कि भाई सिर्फ एक ही समुदाय को रहना चाहिए और बाकी सभी समुदायों को समाप्त हो जाना चाहिए, ये इसका संगठन का कार्य है सबसे पहला। दोस्तों, इसी जमात इस्लामी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ वहां पर बाकायदा जुलूस निकाला, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका देश है और जो भी तोड़फोड़ वो करेंगे, जो भी हिंसा करेंगे, उनके देश को भी नुकसान होगा। लेकिन एक हमारे यहां पर समुदाय है जो ये नहीं सोच रहे कि भाई हिंसा करने से या तोड़फोड़ करने से या लूटपाट करने से, पत्थरबाजी करने से भाई कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आपके देश को ही नुकसान है, आपको नुकसान है। और भाई ये लॉस होता ही है, सबको होता है, हिंदू को भी होता है, मुसलमान को भी होता है, ये जो भी रास्ते में आता है सबका नुकसान है ये। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हिंसा से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और बाकायदा हमें कानून का, विधान का, संविधान का भाई हमें इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और हमें कानून का इंतजार करना चाहिए कि कानून किसी आदमी के लिए जिसने टिप्पणी की उसे क्या सजा सुनाता है, इसका इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।